हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई थिंक तुम लोगों ने भी अपने फेवरेट रैपर को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया होगा, इन अ होप कि रिप्लाई मिल जाए, उनसे कुछ बातें हो जाए। नहीं तो इस वीडियो में मैं तुम लोग को अपनी चैट्स दिखाने वाला हूँ रैपर्स के साथ जो मैंने करी थी। कोई पुरानी चैट है, कोई नई चैट है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। किसी रैपर ने रिप्लाई करा है, किसी रैपर ने इग्नोर करा है, किसी रैपर ने अपना नंबर तक मेरे को दे दिया है, किसी रैपर से लंबी कन्वर्सेशन हुई है, ओह माय गॉड, किसी रैपर ने बाद में रिप्लाई करा है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पूरा इग्नोर मार दिया है, ठीक है। तो मैं इसमें अपनी चैट दिखाने वाला हूँ, इंस्टाग्राम के चैट, रैपर्स के साथ मेरी क्या बातचीत हुई है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। वीडियो को लास्ट तक देखना और आई होप यू एंजॉय। लेट्स गो। सो फर्स्ट अप, मैंने किंग को मैसेज किया था एमटीबी हसल के ठीक बाद, कि स्ट्रेट आफ्टर वॉचिंग एमटीबी हसल टुडे, लव योर एटीट्यूड, ऑल द बेस्ट। और किंग ने मुझे रिप्लाई किया था उसी दिन, थैंक यू सो मच। सो दैट वॉज लाइक किंग का रिप्लाई। अब बाद भी मेरे को लग रहा था भाई किंग ने मेरे को रिप्लाई किया। मैंने उनका ऑडिशन का वीडियो देखा था, उसके बाद मैंने मैसेज कर किया था, उस समय लगा था हाँ ठीक है किंग का मैसेज, किंग का रिप्लाई आ गया, पर अब लगता है भाई किंग ने रिप्लाई किया रहा मेरे को। लेट्स गो भाई। उसके बाद मैंने उनको बोला था यू हैव यूनिक स्टाइल, ऑल द बेस्ट फॉर द शो। तो और उन्होंने फिर क्या बोलते हैं, लाइक भी करा था उसको, मुझे याद है। उसके बाद मैंने अपने गाने भेजे थे, जो सब लोग करते हो तुम लोग अपने, जो अगर तुम रैपर हो, अगर तुम बीट प्रोड्यूसर हो, तो अपने रैपर को अपने ट्रैक्स भेजते हो, भाई ये चेक कर लो, ये चेक कर लो। और उसके बाद मैंने लाइक किंग के गाने प्ले कर रहे थे, मैं कहीं घूमने जा रहा था, किंग के गाने प्ले करके मैंने स्टेटस में डाले थे, लाइक स्टोरी में डाले थे। और उसके बाद मैंने उन्हें एक बार फिर से ट्राई करा रीच आउट करने के लिए, पर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, मतलब पूरा इग्नोर कर दिया। सेकंड अप, वी हैव ईपीआर। सो ईपीआर इज वन ऑफ माई फेवरेट रैपर। मैं ईपीआर को बहुत पहले से सुन रहा हूँ, लाइक हो सकता है तुम लोग ने एमटीवी हसल भी ईपीआर को डिस्कवर किया होगा, पर मैं ईपीआर को बहुत पहले से सुन रहा हूँ, ठीक है। 2014-15 जब वो अंडरग्राउंड अथॉरिटी में परफॉर्म करते थे, देखो मैंने एक स्टोरी में मेंशन भी किया उन्हें 2008 में। सीरियसली, व्हाट द फक आर यू डूइंग? अंडरग्राउंड अथॉरिटी में वो परफॉर्म कर रहे हैं, टीवी हसल में वो आए भी नहीं थे तब। तो और मैं उन्हें अपने गाने भेजता था कि भाई इन द होप कि वो रिप्लाई कर ले, वो गाना सुन ले। तो मैंने पहले स्टोरी मेंशन किया, उसके बाद मैंने अपना एक गाना उन्हें भेजा। सो मैंने लिखा मे आई गेट अ शाउट आउट इफ द वर्क रियली डिजर्व्स इट। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया आई विल चेक इट। बस इतना रिप्लाई में मैं लाइक मुझे लगा था कि हो सकता है कि ईपीआर ने मेरा गाना सुना हो, भले उनका रिप्लाई आए ना आए कोई बात नहीं, पर उन्होंने कम से कम मेरा गाना सुना, ठीक है। ओके थैंक्स फॉर योर फीडबैक विल वर्थ अ लॉट, मैंने रिप्लाई किया। उसके बाद मैंने एक और गाना बनाया था जो था लकी यू का हिंदी रिफिक्स, मैंने वो गाना भेजा उन्हें। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई आता है। उन्होंने रिप्लाई करा कि नाइस अटेम्प्ट इंटरेस्टिंग, इसका मतलब ईपीआर ने मेरा ट्रैक सुना था, ठीक है। और उसके बाद भाई मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि ईपीआर इतने अच्छे लिरिकल रैपर, इतने उन्हें इतनी अच्छी नॉलेज है हिप हॉप की, उन्होंने मेरा ट्रैक सुना है और उन्हें ये नाइस अटेम्प्ट लगा, मतलब उन्हें ये अच्छा अटेम्प्ट लगा। इस ट्रैक में बहुत मिक्स रिएक्शन आ रहे थे, लोग बोल रहे थे हाउ यू कैन रीफिक्स एमिनम ट्रैक, एमिनम किस लेवल पे है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर ईपीआर ने बोल दिया कि नाइस अटेम्प्ट, तो भाई तुम्हारी रिव्यू मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, ठीक है। थैंक्स ब्रो, मैंने रिप्लाई किया। उसके बाद मैंने और स्टोरीज में उन्हें मेंशन किया, कुछ और बातें करी, कुछ मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद थर्ड वन इज बेला ऑफिशियल, एमटीवी हसल के विनर बेला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैट हुआ था मेरे और बेला के बीच। मैंने बेला को अपना ट्रैक भेजा था लेटर टू सोसाइटी, और ये जो लेटर टू सोसाइटी ट्रैक है ना, ये एक लाइक फ्री बीट पे यूट्यूब पे अवेलेबल था, और उस बीट पे बेला ने भी पहले एक ट्रैक बनाया था। तो मैंने ये ट्रैक बनाया और मैंने बेला को भेजा, और बेला को ये ट्रैक इतना पसंद आया, उन्होंने पहले रिप्लाई किया अरे बहुत हार्ड, उसके बाद उन्होंने अपना नंबर दे दिया और बोला कॉल मी टुमारो एंड टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। तुम सोच सकते हो एमटीवी हसल का विनर, एमटीवी हसल की पहले की बात है, पर एमटीवी हसल के विनर ने मेरा ट्रैक सुन के मुझे बोला कि भाई बहुत हार्ड काम है, तुम मेरे को कॉल करना और व्हाट्सएप पे मेरे को टेक्स्ट करना। भाई उस समय भी लाइक उनकी बीफ चल रही थी रागा के साथ, तो लोग जानते थे उन्हें, मैं भी जानता था, मैं उनके ट्रैक सुनता था, और उस समय मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो एमटीवी हसल में नहीं आए थे फिर भी, ठीक है, मैंने रिप्लाई किया श्योर ब्रो, भाई लेट यू नो व्हेन यू आर फ्री सो आई कैन कॉल, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया था, मैं ऑफिस में था उस समय, तो मैंने कॉल किया था, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद उनका रिप्लाई आया, डैम सॉरी मैन ब्रो, आई वॉज रियली बिजी टूडे बट आई विल श्योर टेक्स्ट यू टुमारो, मच लव। ठीक है, मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने अगले दिन हम लोग की बात हुई, मैंने कॉल पर बात किया बेला से, हमारी अच्छी खासी कन्वर्सेशन हुई, मैंने फिर हम लोग फिर टच में थे, फिर हम लोगों ने व्हाट्सअप नंबर पे भी बहुत सारी बातें की, उन्होंने अपने गाने शेयर किए, मैंने भी अपने गाने शेयर किए, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी उनसे बातें चलती रही, मैं उन्हें स्टोरी मेंशन करता था, फिर मैं उनके कुछ गाने आते थे, उन्हें कांग्रेस ब्रो पिंग मीन व्हाट्सएप व्हेन यू आर फ्री सो वी कैन टॉक, हाँ ब्रो आ जाओ व्हाट्सएप पे आ जाओ, फिर उन्होंने रिप्लाई किया ओके। फिर मैंने अपना ट्रैक उन्हें भेजा, फिर कभी कुछ होती तक कुछ होता था मैं उन्हें अपने गाने भेजता था, वो रिप्लाई करते थे। उसके बाद फिर MTV हसल हुआ, ठीक है, MTV हसल जब पहला एपिसोड हुआ उसके बाद भी मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने बोला कि ऑल द बेस्ट भाई फॉर द शो, उन्होंने थैंक यू भाई रिप्लाई भी किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो MTV हसल जीत गए और उसके बाद उनका कभी रिप्लाई नहीं आया, ना ही इंस्टाग्राम पे ना ही व्हाट्सएप पे। ठीक है, नाउ This video is also very interesting. मैं ऐसा कुछ हुआ कि भाई मेरे को बिलीव नहीं हुआ था उस समय जब ये हुआ था, तो ये एक चैट नहीं है, ठीक है, 47 से रिलेटेड है, पर ये चैट नहीं है, पर स्टिल मैंने इसको इंक्लूड किया है कि मैंने ये रिफिक्स बनाया था 47 के गाने का, पागल है क्या गाने का नाम है, और मैंने रिफिक्स बनाया था छोटे अल्ताफ का गाना आया था छोटे सुन, वो गाना और पागल है क्या मिला के मैंने रिफिक्स बनाया था, पर लोग बोल रहे थे तूने कॉपी किया है, तूने 47 का फ्लो कॉपी किया, 47 का गाना है। उसके बाद चेक करो किसका कमेंट आता है और वो क्या कमेंट करते हैं, क्या मेरा तेरे साथ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं संघर्ष का चल कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बंदी भी गई चल कोई नहीं कोई। उसके बाद 47 ने खुद कमेंट किया और बोला एवरीवन इट्स ए रीफिक्स कॉपी नहीं है गुड जॉब। और जो भाई बोल रहे थे ना कॉपी है सेम वॉइस आई 47 को टैग कर रहे थे लोग, उनकी बोलती बंद हो गई भाई, उनकी बोलती बंद हो गई। और मेरे लिए दिस वाज वेरी वेरी बिग कमेंट, लाइक 47 ने खुद कमेंट किया, उन्होंने खुद मेरा गाना सुना, उन्हें मेरा गाना अच्छा लगा, सो भाई मजा आ गया। ठीक है, ओके, सो एमीवे बट्टाई को मैंने थंबनेल में डाला हुआ, तुम सोच लोगे अगर एमीवे को मैं नहीं दिखाऊंगा इस पर तो भाई तुम लोग बहुत गाली दोगे। तो एमीवे के साथ मेरी चैट तो नहीं है, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन, बहुत छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी। एमीवे ने गाना डाला था खत्म EP टीजर 2018 में, ठीक है, तो मैंने उसके नीचे कमेंट किया था #2018 #बंटाई मालूम है ना, सुन मैंने कमेंट किया आई एम लिसनिंग हिज सॉन्ग सिंस 2014, दिस गाय इज इवॉल्विंग ईयर बाय ईयर, रियली अ सुपरस्टार इन मेकिंग। ठीक है, 204 लाइक आ गए उसके ऊपर, मुक्ता के ने भी कमेंट किया था, और इसने एमीवे ने रिप्लाई किया मेरे को। एमीवे बहुत रेयरली रिप्लाई करते हैं, लाइक वो कमेंट्स से पहले करते थे, पहले तो ज़्यादा करते थे, पर अब तो बहुत रेयरली करते हैं, पर स्टिल दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि एमीवे ने रिप्लाई किया। और एमीवे ने क्या रिप्लाई किया, एमीवे ने बोला रैप बॉट शुक्रिया मेरे भाई, उन्होंने बकायदा मेरा नाम लिया रैप बॉट, उन्होंने बोला शुक्रिया मेरे भाई। उसका मैंने बोला एमीवे बंटाई ऑल द बेस्ट ब्रो, ठीक है, छोटी सी कन्वर्सेशन थी पर स्टिल एमीवे बंटाई से बात हुई, थोड़ी सी भी हुई पर हुई। ओह माय गॉड, दिस वाज आल्सो वेरी गुड अटेम्प्ट, लाइक इन्होंने बहुत फास्ट अटेम्प्ट किया था और मेरे को सही लगा था इसलिए मैंने कमेंट किया। लोगों ने फिर उस कमेंट को देख के भाई एमीवे ने रिप्लाई कर दिया, लोग वहां पे मेरे मैंने जो कमेंट किया था लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ MC Stan, ठीक है, MC Stan को भी मैंने थंबनेल में डाला है। अब तो हुआ क्या कि MC Stan से मेरी आज तक कभी बात हुई नहीं है, पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने MC Stan को मैसेज किया कि हो सकता है बाई चांस अगर मेरा लक अच्छा हो तो MC Stan से रिप्लाई हो सकता है आ जाता है नहीं। तो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, हाय ब्रो कैन आई गेट अ रिप्लाई बिग फैन करके मैंने मैसेज किया। उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कि उनकी रिप्लाई आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रैपर तुम्हारी मैसेज देख लेते हैं, तो मैंने वेट किया मैसेज करने के बाद, मैंने वेट करते करते मैं थक गया। 6.5 hours later उसके बाद फिर MC Stan का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि बहुत रेयर है कि MC Stan रिप्लाई करते किसी को, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कहीं पे, बहुत रेयर है ये, मतलब तुम बहुत कम लोग को देखोगे कि MC Stan उनको रिप्लाई कर दिया है। पर मैंने हार नहीं मानी भाई, ठीक है, मैंने हार तेरा भाई हार नहीं मानेगा, मैंने उनको मैसेज किया फिर से
फिर से मैसेज किया मैंने, फिर मैसेज किया मैंने, a few moments later मैंने उनको मैसेज पे मैसेज डाले, पर उनका रिप्लाई नहीं आया। No God please no 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 but I hope कि वो फ्यूचर में रिप्लाई कर दे या फ्यूचर में उन्हें कोई कंटेंट भेजो जो उन्हें पसंद आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इनसे स्टैन मेरे कंटेंट को देखे, मुझे जाने किसी भी तरीके से, बिकॉज वो बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, बहुत अलग टाइप की म्यूजिक बनाते हैं, और इंडिया में लाइक ही इज मेकिंग चेंजेस इन हिप हॉप सीन, रिवॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट हिम टू रिप्लाई, आई वॉन्ट ए रिप्लाई फ्रॉम हिम, और आई वॉन्ट हिम टू नो समथिंग अबाउट मी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे गाने सुन ले, कुछ तो ऐसा कुछ रिलेटेड, जैसे बाकी रैपर्स ने कुछ कहीं पे थोड़ा सा रिप्लाई आया है, किसी ने मेरे गाने सुने हैं, किसी ने कुछ किया, किसी ने नंबर दिया है, एमसी स्टैन से भी कुछ हो जाए यार फ्यूचर में, ठीक है। दिस वाज इट, थोड़ा सा हो सकता है मे बी यू गेट डिसअपॉइंटेड कि एमसी स्टैन का भी चैट मिले, पर एमसी स्टैन का समझो कि एमसी स्टैन के चैट मिलना, एमसी स्टैन से बात करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं उतना लकी नहीं हूँ, हो सकता है तुम लोगों ने बात करी होगी, तुम लोगों से किसी ने भी एक बंदे ने बात करी होगी, पर एमसी स्टैन बहुत रेयर रिप्लाई करते हैं, बहुत रेयर कमेंट करते हैं, ठीक है। सो मैंने कोशिश करी पर रिप्लाई नहीं आया। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो, मैंने दिखा दिया तुम लोगों को अपना चैट, इंस्टाग्राम का चैट बहुत कम लोग दिखाते हैं, ठीक है, पर मैंने दिखा दिया। अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोज आने वाले हैं, सिर्फ रिएक्शन नहीं आने वाला है, हिप हॉप से रिलेटेड ऐसे ऐसे कॉन्टेंट आएंगे जो तुमने देखा नहीं होगा कभी, ठीक है, तो मजा आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।